बंदर तो आपने देखा ही होगा, बंदर हमेशा एक से दूसरी जगह उछल कूद करते रहता है, भागते रहता है। वो कभी टिक कर नहीं बैठता, हमेशा यहाँ वहाँ दौड़ते रहता है। बंदर की तुलना इंसान से की जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार हमारा दिमाग भी बंदर की तरह बिहेव करता है? जी हाँ, दिमाग की ऐसी कंडीशन को मंकी ब्रेन कहा जाता है। मंकी ब्रेन वो सिचुएशन है जिसमें दिमाग बंदर की तरह एक चीज पर टिक कर नहीं रहता, यहाँ से वहाँ दौड़ता रहता है। तो चलिए आज जानते हैं कि मंकी ब्रेन क्या है और इसके नुकसान क्या है, साथ ही ये भी जानेंगे कि किस तरह मंकी ब्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है। बंदर की तरह जब हमारा दिमाग किसी भी एक चीज पर टिक कर फोकस नहीं करता है और हमेशा यहाँ वहाँ की सोचता रहता है, तो ये कंडीशन मंकी ब्रेन कही जाती है। इस स्थिति में दिमाग किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाता है, वो हमेशा एक से दूसरी चीज के बारे में सोचता रहता है और इसी वजह से उसे काफी उलझने रहती हैं। ऐसे दिमाग वाले लोग किसी काम पर ध्यान नहीं लगा पाते और सक्सेस आने में नाकामयाब रहते हैं। ऐसे लोग किसी भी टास्क को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उनका दिमाग कई जगह पर चलता रहता है। आपको बता दें कि मंकी माइंड या मंकी ब्रेन किसी भी इंसान के लिए दुविधा भरा हो सकता है क्योंकि इस कंडीशन में दिमाग कई तरह की परेशानियों जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिस्ट्रेक्शन, फोकस यानी एकाग्रता की कमी, दिमागी थकान और काम के प्रेशर का सामना करने के लिए मजबूर हो जाता है। मंकी माइंड के चलते लोग अपने काम काज पूरे नहीं कर पाते और उनके दिमाग पर हर वक्त दबाव बना रहता है। ये कंडीशन दिमाग के लिए निगेटिव होती है और इसे सुधारना जरूरी है। मंकी ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए कोई दवा नहीं है बल्कि माइंडफुल एक्टिविटीज से कंट्रोल किया जा सकता है। पजल, गेम्स, हॉबीज पर फोकस करने, आराम करने, कंट्रेक्शन करने, प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए। इससे आप अपने दिमागी फोकस को मजबूत कर सकते हैं। नींद भरपूर लें, हेल्दी डाइट का नियम बनाएं और इसके साथ फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज आपके दिमाग के लिए मददगार साबित होगी।